press the bell icon for all the updates. So, आज मेरे साथ ऐसी एक्ट्रेस है जो भागते भागते यहाँ तक पहुंचाई है, मतलब नेहा के सलून टाइम में. अब जानना चाहेंगे कौन. मैं बात कर रही हूँ हिबा की. आई मीन भाग बकुल भाग यार. और हिबा यहाँ पर मेरे साथ है. हिबा, सबसे पहले तो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड आज सलून टाइम को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट, आई लव मेकिंग माई सेल्फ लुक प्रिटी एवरी टाइम. एंड ऑब्वियसली जैसे हम शूट करते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, इतना स्ट्रेटनिंग, टोंग एंड हेयर स्प्रे, एवरी थिंग. सो यू नो यू नीड टू पैम्पर योर सेल्फ एवरी टाइम. तो बालों को सबसे ज़्यादा आई थिंक इशू होता है, और एक स्किन को हमारी. तो आज यू नो बालों को मैं थोड़ा संवारने वाली हूँ. सो शुरू करें क्या? हाँ, वैसे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं जो बताएंगे कि आप बालों के साथ क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं. डेफिनेटली क्या करने वाले हैं हिबा के साथ? आज हिबा के लिए हम लोग एक हेयर स्पा करने वाले हैं, डीप नरिशिंग हेयर स्पा, जिससे इसके हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी दिखेंगे. देखते हैं हेयर स्पा के बाद कैसे, हिबा से पूछेंगे कैसे लगा. हाँ, वेरी एक्साइटेड. चलिए अंदर शुरू करते हैं. मैं ना बहुत ही गंदी बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हूँ अपने बालों का. जस्ट दैट यू नो आई गॉट कलर्ड, तो आई थिंक 2 साल पहले मैंने अपने बाल यू नो कलर कराए थे, ग्लोबल एंड स्ट्रीक्स. तब से आई एम जस्ट यूजिंग दिस शैम्पू एंड कंडीशनर, दैट सेट जो मतलब कलर प्रोटेक्ट आते हैं जनरली, आई एम यूजिंग दैट. एंड थोड़ी मेरी माँ मुझे बहुत डांटती रहती है, यू नो गो फॉर ऑयलिंग एंड स्टफ लाइक दैट. वो भी नहीं हो पाता है बिकॉज मैं बहुत लेज़ी हूँ. एंड यू नो व्हाट, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड गेट योर हेयर डन, गेट योर यू नो ब्यूटिफाई योर सेल्फ, आई फील. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. अच्छा, लॉन्ग हेयर कितना ज़्यादा इंजॉय करती हैं हिबा? अगर चांस मिले तो शॉर्ट कराना चाहेंगी? एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है, और मेरे से ज़्यादा मेरी माँ को पसंद है. जो इतने लंबे बाल आप देख रहे हैं ना, वो एक बार मैं छोटे करा के आ गई थी, मेरी माँ ने मुझे 15 महीने हो गए अभी तक मुझे बाल नहीं कटाने दिए, बिकॉज उनको डर लगता है कि मैं बहुत छोटे कटा के आ चुकी, जैसे मैं पहले कटा दिए थे बीच में. बट शी इवन आई लव माई हेयर, बट वो तो इमोशनल हो जाती है मेरे बालों को लेकर, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी, तो उसके बाद से आई एम स्कैर्ड. सो लेट्स सी कब कटाती हूँ दोबारा बाल. ओके, मैं हिबा, मैं नॉर्मली अगर ये सबसे हटकर अगर थोड़ा बात करूँ तो मुझे आप ये बताइए कि पहला ब्रेक टेलीविजन का आपको कब मिला और कैसे मिला? सबसे पहला एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, बिकॉज आई यूज टू वर्क एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बिफोर. सो एक्चुअली बहुत ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं था यहाँ पे मुंबई से, बट मैं आई थिंक 7 साल की थी. मैंने एक थिएटर किया था, क्योंकि मेरे पापा इन हिज अर्ली 20s वो थिएटर बैकग्राउंड से, मतलब उनकी थिएटर बैकग्राउंड है, बट अर्ली 20s जब उन्होंने यू नो डॉक्टरेट नहीं किया था एंड यू नो प्रैक्टिस नहीं करते थे, तभी तब की बात है, बहुत समय पहले की. और जब मैं 7 साल की थी तो आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन उन लोग का पता नहीं ऐसा मन हुआ कि यू नो वी शुड यू नो स्टार्टअप विद यू नो प्ले. कोई थिएटर होते हैं वहाँ पे, हर साल होते हैं मेरे होम टाउन में बरेली में. सो दे वॉन्टेड डू समथिंग डिफरेंट एंड नाइस लाइक बच्चों को लेकर. सो आई डिड, मतलब मैंने एक प्ले किया था एक थिएटर में, और इट वॉज डन एंड डस्टेड, क्योंकि 7 साल की थी, कुछ नहीं, वो स्टार्टिंग चिलिंग जो बच्चे करते हैं. बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैं 10 साल की हुई ना, तो मैं यहाँ पे ना छुट्टियाँ मनाने आई थी मुंबई में, लाइफ में पहली बार. एंड यू नो जैसे दोस्त थे कुछ मेरे ऑलरेडी यहाँ पे, दोस्त थे, पापा के फ्रेंड्स थे जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, देन दे लाइक अरे वो हमने उसका प्ले देखा था, वो तो बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, उसको आप यू नो ऑडिशन क्यों नहीं दिलवाते. तो मैंने लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था, दैट वॉज फॉर लो हो गई पूजा इस घर के, आई वॉज 10 और 11. जस्ट इमेजिन मुझे मिल गया था शो, एंड यू नो आई स्टेड बैक. फिर मैंने पढ़ाई यहाँ वहाँ की यहाँ पे शिफ्ट कर ली, क्योंकि मैं गर्मियों की छुट्टियों में थी, तो मेरा 1 महीने का ही क्लासेस हुए थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग योर एंड एवरीथिंग. बट ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट कि यू नो मेरा
बचपन के जो मस्तियाँ होती ना वो सब मिसिंग था. सो आई फेल्ट, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, सो आई जस्ट थॉट कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट करके आना चाहिए, लाइक एटलीस्ट आई शुड कंप्लीट माई स्कूलिंग. बाकी हायर स्टडीज़ के लिए वी विल यू नो सी के चलो, बट स्कूलिंग तो यू नो बेसिक्स तो यू नो कंप्लीट कर लेने चाहिए. देन आई वेंट बैक, फिर कभी प्लान नहीं था आने का, मैं बोर हो गई थी मुंबई से. बट ऑल ऑफ अ सडन दिस इंडस्ट्री चोज मी, क्योंकि 4 साल बाद बिना किसी कनेक्शन के आई गेट दिस कॉल फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ मैंने काम किया था, स्फेयर ओरिजिन्स. सो दे वॉन्टेड मी टू डू दिस शो फॉर चैनल वी. सो दैट्स व्हेन आई गॉट बैक हियर व्हेन आई वाज 16. आई थिंक मुंबई ने मुझे काफ़ी एक्सेप्ट किया, मैंने भी मुंबई को काफ़ी एक्सेप्ट कर लिया काफ़ी हद तक. थोड़ा सा खाने का पार्ट छोड़ के मुझे अभी भी बरेली का खाना, नॉर्थ इंडियन खाना याद आता है. बट आई थिंक मैं मुंबई की हो गई हूँ मुझे ऐसा लगता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. बरेली से ज़्यादा मुझे मुंबई अच्छा लगने लगा. आई थिंक पिछले 2-3 सालों से यही घर बन गया है ऐसा लगता है. अच्छा, वैसे अगर खाने की बात आई है तो हिबा वैसे काफ़ी आप बहुत ज़्यादा फिट है, पर खाने के बात करो तो कितनी ज़्यादा खाने के पीछे मैं ना अगर वैसा ही खाना और 2 साल खाती तो मैं आपको पता नहीं कैसी दिखती, मैं बहुत मोटी दिखती. पर पिछले 1 महीने से यू नो आई एम ऑन डाइट, नॉट द टिपिकल वन, नॉट ऑफ कार्ब्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम टेकिंग कार्ब्स एंड एवरीथिंग, बट हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट है मेरी अभी. और मेरे ट्रेनर मेरी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि मैं यू नो बराबर से खा रही हूँ, टाइम से खा रही हूँ. बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम बहुत ही राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं. इट्स मोर अबाउट कि हम किस टाइम पे क्या खा रहे हैं. सो जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी, मैं जिम जा रही हूँ. फाइनली लाइफ में पहली बार मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले भी लोगों को लगता था कि यू नो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ इन एवरी थिंग, आई शुड बी लाइक दिस ओनली. बट यू नो वॉट, अगर आपको मेनटेन करना ना तो आई थिंक पोस्ट यू नो अर्ली 20s में या वेन एवर यू फील लाइक के दिस इज़ द करेक्ट टाइम, एंड आई फेल्ट के ये मेरे लाइफ में सबसे करेक्ट टाइम है, आई शुड गो टू द जिम एंड यू नो जो है उसे मेंटेन कर लूँ, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मोटे होने के बाद. सो दैट्स व्हाई जस्ट. अच्छा हिबा, जब भी रोल चूज करने की बात होती है तो क्या देखती है अपने रोल के अंदर कि ये रोल मुझे करना है? मोर ओवर यू नो वॉट, आई लव यू पीपल एंड यू नो दैट. सो मैं आप लोग की ना डिमांड्स ध्यान में रखती हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई अपलोड पिक्चर्स और किसी भी कोई पर्टिकुलर शो कर रही हूँ उसकी पिक्चर अपलोड करती हूँ. जैसा आप रिएक्ट करते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई एम ऑल अबाउट यू पीपल. सो जैसे ही आपके रिएक्शंस आते हैं ना तो मुझे लगता है दे रियली लाइक मी, यू नो द रोल आई हैव डन इन तेरे शहर में एंड आई वॉज डूइंग भाग बकुल भाग. तो मुझे सती सावित्री मेरी सासू माँ टाइप रोल में नहीं देखना चाहते. So you know, every time I feel that I should do something different, and I have been doing different. Jitne bhi maine shows kiye sab different kiya. So every time I feel like doing something different and nice, and jisse you know, thoda realistic ho, relate kar sake, ya fir main relate kar sako. Of course, 100% to koi bhi relate nahi kar sakta, but you know, mere liye 80% 70% relate karna bahut important hai. To main aise role karna chahti hu jisse main relate kar sako. Mere you know. जस्टिफाई करे उस लुक में मैं परफेक्ट बैठनी चाहिए हूँ, माई एज हैज़ टू बी परफेक्ट एंड मैच्योरिटी लेवल. तो या आई लुक ऑल ऑफ दैट. ओके हिबा, भाग बकू भाग आया और बहुत जल्दी ही शो बंद भी हो गया, तो ये पहले से ही था कि भाग बकू भाग का ड्यूरेशन इतना ही? एक्चुअली दो या जो हमारे प्रोडक्शन हाउस एंड चैनल, इट वॉज लाइक अ ट्रायल थिंग फॉर देम, बिकॉज अर्ली टाइम स्लॉट का भी कलर्स पे आनी है. कलर्स का पहला ये फिक्शन कॉमेडी शो था जो कभी नहीं था. इट वॉज मोर लाइक एक्सपेरिमेंट एंड वी रियली एन्जॉयड एंड या इट गॉट शॉट लाइक इन 5 months दो, बट पीपल रियली अप्रिशिएट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल. एंड वॉज सो मच फन, क्योंकि मेरे लिए तो पहली बार था, मैंने कभी कॉमेडी नहीं किया एंड वॉज सो मच फन. और मैं तो और कॉमेडी करना चाहूँगी एक्चुअली, आई रियली फील दैट. अच्छा, मतलब आगे का प्लान यही होगा कि थोड़ी बहुत यू नो कॉमेडी. आई लव्ड प्लेइंग शीना, सो I would do not exactly like her, but comedy is I think much more fun and better than you know rona dhona and everything. अच्छा हिबा, कोई ऐसी लाइफ की कोई ऐसी जर्नी हो या कोई ऐसा मोमेंट हो जो आप 10 मसाला भी स्पेशली शेयर करना चाहें? लाइफ का हर मोमेंट एक्चुअली
लाइफ में मेरा बेस्ट मोमेंट था आई थिंक जब मुझे पहला अवार्ड मिला था व्हेन आई डिड तेरे शहर में एंड आई गॉट दिस अवार्ड मोस्ट स्टाइलिश सदस्य. So it was more about, of course, my stylist, my hairdresser, my makeup artist, and तो उनको तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना चाहूँगी. But you know what, I was on cloud nine. के oh god, I got this first award. And सबकी life में जो पहला होता है वो सबसे ज़्यादा खास होता है. तो जैसे कि मेरी life का पहला serial as a lead when I did, जब मैंने थोड़ा होश संभाला तब तो बहुत छोटी थी 10-12 साल में. But when I was 16 and I bagged this role for Channel V. तो I think जो हमारी life में पहली बार होता है ना वो best होता है. So that award was, you know, मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मोमेंट आई स्टिल रिमेंबर. मतलब मैं तो शिवो करी थी एंड मैंने इतनी गंदी स्पीच दी थी बिकॉज आई वाज सो नर्वस बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट. सो आई एम होपिंग फॉर द यू नो कि आगे जाके यू नो यू पीपल विल कीप शावरिंग लव एंड ऑल एंड आई विल बैग मोर एंड मोर ऑफ अवार्ड्स एंड एवरीथिंग. अच्छा टीवी पूर की आप खुद लड़की हैं. अच्छा टीवी पूर की कौन से सीरियल्स आप फॉलो करती हैं? अभी मैं ना बेहद इज गोइंग ऑफ एयर या चला गया बट समटाइम आई यूज टू वॉच बेहद क्योंकि वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं होता. ऑफकोर्स एवरीबडी नोज कि कितना टाइट स्केड्यूल होता है हम लोग का तो खुद के लिए टाइम नहीं होता. तो सीरियल्स मैं अपना देखती थी ज़रूर बिकॉज आई ऑलवेज लुक आफ्टर माई वर्क कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ. गड़बड़ कर रही हूँ तो देर इज़ ऑलवेज दिस चांस कि आप उसको इम्प्रूव कर लें. तो मैं खुद को हमेशा देखती हूँ ताकि मैं खुद को इम्प्रूव करती रहूँ. तो आई वॉज वॉचिंग भाग पकड़ भाग ऑफकोर्स एंड समटाइम्स आई यूज टू वॉच बेहद बिकॉज आई रियली लाइक जेनिफर विंगेट. सो या अच्छा मतलब स्टाइल क्वीन की बात करूँ तो टेलीविजन में कौन है? आई थिंक जेनिफर. आई लव हर स्टाइलिंग. शी इज रियली गुड. आई मीन शी इज़ वेरी सिंपल यू नो एलिगेंट एंड क्लासी एवरी टाइम. सो आई फील लाइक शी इज रियली गुड. और ये मेरे खूबसूरत ना खिलखिलाते बालों का राज यू नो वो राज खुलेगा अगर आप आएंगे स्टाइल बार सलोन में. बिकॉज यहाँ पे मैंने एक बहुत कैसा स्पा लिया है स्पा और यू नो एकदम मज़ेदार मसाज. मैं ऑलमोस्ट सो गई थी. आपने देखा होगा एक्चुअली मेरे एक्सप्रेशन बिकॉज आई वाज एकदम अच्छा लगता है मैंने यू गो फॉर स्पा एंड मसाज. सो स्पा में मसाज इज़ माई फेवरेट पार्ट. और फिर जब सिल्की सिल्की बालों कैसे कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. सो they have become silky shiny and smooth and I love them. Thank you so much. A style bar salon and I hope you like the service. I loved it. Thank you so much. Most welcome and we hope to see you soon at style bar. Yes definitely I will come. Finally fans ko kya message? फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी बिकॉज इट्स अ सलोन स्टोरी. सो एवरी टाइम जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटी टेक केयर ऑफ योर हेयर बिकॉज यू नो वट आप जिस बॉडी में और जिस बालों के साथ रहते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग रहना है. सो यू नो जितने साथ बने रहे इनका उतना अच्छा रहता है. एंड मुझसे ज़्यादा अच्छी टिप्स तो ये दे पाएंगे ऑब्वियसली. सो वट डू यू थिंक? रेगुलरली हेयर स्पा कराना चाहिए और अच्छे शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना चाहिए अपने हेयर को मेंटेन करने के लिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोफेशनल सैलून से शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना चाहिए वर्सेस अ कमर्शियल मार्केट में से कोई भी शैम्पू यूज़ करने से अच्छा होगा. अच्छा एक अगर मैं बालों के लिए जिनके पास अगर पैसे ना हो ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती उनके लिए क्या है जो होम रेमेडी क्या बालों में यूज़ करते हैं? होम रेमेडी के अंदर आप कर्ड एंड एग यूज़ कर सकते हो और डैंड्रफ निकालने के लिए आप लेमन यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प के लिए. एंड पम्पकिन सीड ऑयल जो होता है पम्पकिन सीड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए. तो पम्पकिन सीड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं. वाओ आई थिंक ये भी मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा बिकॉज एवरी टाइम वी आर सो बिजी तो कभी कभी घर में थोड़ा टाइम मिल जाता है. तो ऑफकोर्स आई कैन डू दैट एंड डेफिनेटली शी इज़ हियर फॉर मी तो मैं डेफिनेटली आती रहूँगी यहाँ पे. थैंक यू थैंक यू.